हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारे देश की 12.5% लोग असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं। आप ये हाइपरटेंशन जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसे हम बचा जा सकता है, इसको इसके कारण हमारे इतनी बड़ी महामारी फैली है, उसको हम क्यों नहीं ठीक करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्यों करें और कैसे करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 21% पॉपुलेशन एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो आज महामारी का रूप धारण कर लिया है। उस बीमारी से भारत की 25% पॉपुलेशन भी ग्रसित है। तो दोस्तों, ये बीमारी और कुछ नहीं तो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारे देश की 12.5% लोग असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं। आप ये हाइपरटेंशन जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसे हम बचा जा सकता है, इसको इसके कारण हमारे इतनी बड़ी महामारी फैली है, उसको हम क्यों नहीं ठीक करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्यों करें और कैसे करें। तो चलिए, आज हम इसके लेके जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसे कैसे हम जानेंगे कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो इसका स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है, स्पेसिफिकली या स्पेशली कि यही काम यही चीज होगा तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन ऐसे इन जनरल कभी कभी हेडेक हो जाता है, कभी चक्कर आने लगता है, कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है व्यक्ति, घबराहट होने लगता है, या किसी को नाक से ब्लीडिंग भी होने लगता है, या फिर आपको पेशाब से भी ब्लीडिंग हो जाता है। तो ऐसे आप इसको स्पेसिफिक मत मानिए, लेकिन करीब करीब ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो कि ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन में होते हैं। तो इसके कारण क्या है, इसके मुख्य कारण जो हम आज के युग में बताते हम जान सकते हैं जो कि जिसके द्वारा ये होता है, वो है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। हमारे रहन सहन खान पान ऐसी हो गई है और हम लोग अपने शरीर पर इतना कम ख्याल रख रहे हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से खान पान की जिम्मेदारी हम इसलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो हम आज फास्ट फूड का कल्चर बहुत बढ़ गया। इवन आपको पता है कि 20 से लेकर के 30 तक के 30 साल के बच्चों को भी ये बीमारी हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो केवल उम्र से रिलेटेड नहीं है, ये तो मान के चलिए। तो इसके लिए हम ये समझिए, ये देखा गया है कि जो व्यक्ति फास्ट फूड की आदत हो गया है या जंक फूड खा रहे हैं, उनको ये बीमारी बहुत जल्दी हो रहा है। ओबेसिटी हो जा रहा है, ओबेसिटी भी एक रीजन है जिसके कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, तनाव के कारण ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम इसके बाद अगला स्टेज हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे रहन सहन है जिसके कारण हम एक्स्ट्रा अल्कोहलिक हो गए, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यदि आप टोबैको लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको आज में कल ब्लड प्रेशर होना ही है। यदि आपको नहीं पता है तो अलग बात, लेकिन होता ही है। और एक और बात बता दूं कि कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि 20-25% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि कभी कभी लोग को 160 तक भी कोई सिम्टम नहीं आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग, और बाद में वही एक बैक हमें जो है धीरे धीरे करके हार्ट के प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सबसे पहले बीच बीच में अपना हेल्थ चेकअप करा करें, जिसमें आप मेजरमेंट ले सकते हैं। कहते किसे हैं, नॉर्मली जब हम ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन किसे करें, ये भी जानना जरूरी है कॉमन व्यक्ति के लिए। ऐसे तो सब लोग जानता है कि हमारा जब ब्लड प्रेशर आपको सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला 140 पहुंच जाता है और लोअर वाला जो डायस्टोलिक है वो 90 पहुंचता है, तो आप इसको ब्लड प्रेशर स्टेज 1 कह सकते हैं। धीरे धीरे जब और आप इस पर अवॉइड करते जाइएगा तो बढ़ते चला जाएगा, तो हाइपरटेंशन टाइप 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसे ग्रसित होते चले जाइएगा और हृदय के बीमारी के रूप में प्रगतित हो जाएगा। तो चलिए, विशेष हम इस पर और चर्चा न करते हुए इसके बारे में, इसका मुख्य रूप से कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चूंकि योगा से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जाने कि योगा में कौन सा हम क्या क्या करें जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं या हम कैसे ठीक हो सकते हैं, करेक्ट हमारा बीमारी दूर हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हम रिलैक्स लाइफ व्यतीत करना है।
आप मॉर्निंग में उठिए सबसे पहले, तो आप मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करिए, बेटर है। वो भी प्राकृतिक वातावरण में करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राकृतिक वातावरण यानी कहीं पेड़ पौधा, और यदि किसी को इस तरह का नहीं है तो अपने छत पर कर, फ्लैट में रहते हो छत पर कर, या कहीं ऐसे जगह है जहाँ छत भी आपको नहीं नसीब हो रहा है, तो आप सुबह सुबह उठ करके गलियों में घूमिए, बाहर घूमिए, कहीं भी जाइए, लेकिन थोड़ा मॉर्निंग वॉक की आदत डालें। आसनों में आप सूक्ष्म आसन कर सकते हैं। सूक्ष्म आसन में कुछ नहीं, वो जो हमारे पवन मुक्त आसन के सेट वन वाले आसन है, यानी हाथ पैर को उंगलियों को मोड़ना। मैं आप हल्का सा दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो आप देख भी लीजिए कि क्या है। सूक्ष्म आसन यानी पवन मुक्त आसन बोलते हैं, सूक्ष्म आसन बोलते हैं, जैसे इस तरह से हाथों को उंगलियों को इस तरह से ऐसे मोड़ना, इस तरह से करना ऐसे। ये सब हमारे जो पवन मुक्त आसन वाले सेट के पहले आसन है, सूक्ष्म क्रियाएं भी जी कहते हैं। इस तरह से ऐसे हम लोग ये इस तरह के क्रिया पर, या फिर आप इस तरह से इसको भी ऐसे लंबी गहरी सांस धर के पीछे की तरफ इस तरह से करें। रिलैक्स मूड में जल्दी जल्दी नहीं करें, आराम आराम से करें, इस तरह से आराम से इसको रिलैक्सिंग पोजिशन में करें। बहुत ज्यादा थकावट नहीं देना, इसमें बहुत ज्यादा थकान की गुंजाइश नहीं। फिर आप पैरों को भी, पैरों को उंगलियों को मोड़े, इस तरह से कर, पैरों को उंगलियों को मोड़े, इस तरह से दंडासन में बैठ कर पैरों को उंगलियों को मोड़े इस तरह से, फिर आगे करें पीछे किए इस तरह से, फिर इसको घुमाए। यानी आप वो सारे आसन करें जो आप आराम आराम से कर सकते हैं, लेकिन बिना कोई परेशानी के, थकावट। स्पेसिफिकली हम बताएं तो ये एक हो गया। ऊपर से आप यदि सबसे अच्छा क्या है, मेडिटेटिव आसन जो आरामदायक आसन है, जैसे वज्रासन उसको करें, या फिर आप सुखासन में बैठकर थोड़ा आंखें बंद कर रिलैक्स कर सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं। फिर सत्संगासन करें, और आप चाहें तो इसको योग मुद्रासन होता है, सत्संगासन आप जानते हैं, योग मुद्रासन भी बताऊंगा, दिखा देता हूँ आपको। वो मुखासन करें, फिर शवासन करें, या भद्रासन करें, या ताड़ासन, वृक्षासन, और नटराजासन, और गरुड़ासन। देखिए, बैलेंसिंग आसन इसमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने के कारण आपको मन में जो हमारे जो शांति आती है, इसलिए हम बैलेंसिंग वाले आसन इसमें करते हैं। उसमें मुख्य रूप से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका इसमें है ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन और नटराज आसन। ये चारों आसन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि आप वज्रासन कैसे करते हैं। वज्रासन आप करीब सब लोग जानता है, वज्रासन कैसे आया जाता है। तो अब दंडासन, पहले दंडासन में आने का तरीका भी आप जाना होगा। सर फिर एक पैर इधर कर लीजिए, दूसरे पैर ऐसे इस तरफ से आप शरीर को सीधा कर, लंबी गहरी सांस दो तीन भर, आराम से रिलैक्स होकर के इस तरह से करें। फिर आप गोमुखासन करें। गोमुखासन कैसे किया जाता है, तो उसमें और आसान है, इसे दोनों तरफ से इस तरह से पहले को फैला ले, दूसरे ये गोमुखासन है। इसके एक और वेरिएंट है, जैसे हाथ को ऊपर लेके चलेंगे, जो जो पैर ऊपर है उसका हाथ नीचे ऊपर लेके गए, और दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिए ऐसे आराम से, लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी छोड़े। ठीक है, ये हुआ गोमुखासन। इसको दोनों तरफ से करना चाहिए, इसलिए मैं लेफ्ट से राइट, राइट लेफ्ट को ऊपर लेके आ गया, फिर राइट पैर को इसी लेके गया। ठीक है, ये हो गया गोमुखासन। पीछे आप नहीं भी पकड़ पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एटलीस्ट बैठने की आदत डालें। इस तरह से कोशिश करें कि हाथ पहुंचे, नहीं पहुंचता तो कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे पुराने वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर आप एक योग मुद्रासन होता है, योग मुद्रासन कैसे किया जाता है, सत्संगासन करेंगे और उसके बाद योग मुद्रासन करेंगे। सत्संगासन में रिलैक्सिंग है, काफी रिलैक्सिंग है, लेकिन बहुत सारे फायदे इसके हैं। आप दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं इस तरह से, फिर ऐसे जाकर इस तरह से पीछे और चलाता हूं, ताकि आप देख पाए ठीक से, ऐसे उठाए, फिर आराम से आगे ऐसे इस तरह से आगे झुके, सर को
जमीन पर लगा देते हैं। आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे से दिख जाएगा। हाथ को ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, फिर आगे ऊपर झुकते हुए एकदम आराम आराम से रिलैक्स रहते हैं, हल्के हल्के श्वास लेते रहेंगे। इसको आप एक से दो मिनट तक इसमें रुके, श्वास लेते हैं, श्वास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक योग मुद्रासन है, योग मुद्रासन में बहुत अच्छा है, आप कोई भी आसन में बैठ जाए, मेडिटेटिव आसन चाहे तो आप ऐसे बैठे ये इसमें बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं बैठते तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन यानी ऐसे इस तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन आप बेटर है यदि बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठे इस तरह से, इस समय पद्मासन में बैठे, दोनों हाथों पीछे लेके जाए इस तरह से पकड़ लें, ठीक है। श्वास भरे यहां पर, फिर श्वास छोड़ दो, आगे आगे तक झुक जाए ऐसे, कोशिश करें। कोशिश करें ललाट से आपको जमीन तक छू जाए, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, कोई भी चीज को फोर्सफुली नहीं करना, तो ये होगा आपको। उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग वाले हमारे जितने आसन हैं, आप भुजंगासन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्पेसिफिकली इसके लिए जो जरूरी है वो करना आपको मैं दिखाता हूं। सब कैमरा ठीक कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें मुझे क्या करना है। दोनों पैरों के बीच में गैप नहीं रखना है इस तरह से, फिर आप हाथ को इस तरह से कर ये दूसरे में मिला लें, इस तरह से उंगलियों को फंसा लें, आराम से धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ जाए और अपने दीवार पर कोई एक पॉइंट को आप गेज करें और उसी पॉइंट को देखते रहें आराम से, लंबे गहरी श्वास भरते छोड़े, छोड़ ले भरे छोड़े, इनहेल एंड एक्सहेल ये करते जाए, इसे एक बिंदु पर देखते हैं, फिर आराम से इस तरह से ऐसे लेके आ जाए। इसको मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आप तीन से चार बार इसको कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वृक्षासन में चले जाएंगे। वृक्षासन कैसे कर सकते हैं ऐसे, अब देखे वृक्षासन कैसे, उसी तरह से वही करना है, एक पॉइंट को गेज करें इसी पॉइंट को, आप किसी एक पॉइंट को दीवार पर मार्क कर दें, उसको आप गेज करते हैं, आराम से बैलेंस रहेगा। बहुत सारे फायदे इसके हैं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर में बहुत, हाइपरटेंशन में काफी काम आता है। फिर दूसरे पैर से भी आप इस तरह से करें, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से जितना आप बैलेंस कर सकते हैं, शुरुआत करें 30 सेकंड से, फिर एक मिनट तक आप बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीज को आप एक एक मिनट का कम से कम एक राउंड में करें, तीन तीन राउंड कर लेते हैं। फिर आप गड़ुरासन कैसे करते हैं, एक पैर में खड़ा होते हैं इस तरह से, पैर को फंसा लेते हैं और फिर ये हाथों को ऐसे इस तरह से ऐसे फंसा लेते हैं और ऐसे इस तरह से सामने उसी तरह से एक तरह से दीवार को देखते हैं। एक पैर पर अभी जैसे बाएं पैर पर, मेरा बायां हाथ बाएं आगे की तरफ है, बाएं पैर खड़ा हूं, दाना पर लपेटा हुआ है, तो बाएं पैर बाया हाथ मेरा बाया क्यों नहीं आगे की तरफ है, उसी तरह से आप ऐसे आ जाए, फिर आप इसको ऐसे करें, फिर आप इसको इस तरह से करें। अब दाया हाथ ऊपर हो गया, ठीक है, एक गरुड़ासन, ठीक है। एक है नटराजासन, नटराजासन सबको आप मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से कितना आप कर सकते हैं, आराम आराम से, कहीं भी तनाव लेकर के नहीं करना। इसमें क्या करते हैं, पीछे एक पैर ले जाते हैं इस तरह से, बैलेंसिंग है ये, किसी एक पॉइंट को गेज करिएगा तो बैलेंस रहेगा आपका, समझे ना। इसको आप झुक सकते हैं,
फिर आप इसको दाया पर भी ले ले पीछे। तो इस तरह से इस आसन में आप आ सकते हैं। ये सारे तो आसन होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसमें जो कि करना चाहिए हमें, वो है हमें प्राणायाम। तो प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें प्राणायाम असली फायदा इसमें प्राणायाम पहुंचाएगा। यदि आप कोई आसन नहीं भी कर सकते हैं तो आप प्राणायाम अवश्य करें, प्राणायाम आपको काफी इसमें काम आएगा। सबसे ज्यादा काम आता है तो प्राणायाम ही काम आता है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो हम आपको कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो कि करना इसमें बहुत जरूरी, जो कि आपको फायदा पहुंचाएगा रियली। तो सबसे पहले आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आराम से बैठें। फिर आप पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सब लोग जानते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट से छोड़ना है। एक मुद्रा बन सकता है तो ज्यादा अच्छा है, इसको हम लोग कहते हैं नासिका मुद्रा, जिसमें अंगूठा, ये तर्जनी और मिडिल फिंगर दोनों मुड़ा हुआ रहता है और अंगूठा से राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं और ये लेफ्ट लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, ठीक है, बंद करते हैं, खोलते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट शुरुआत जब भी करें तो लेफ्ट से करें और एंड जब भी करें तो लेफ्ट से ही करें। जैसे एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर यहां से इनहेल करें, इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो दो चक्र करके मैं दिखाया, आप इसको कम से कम 20 राउंड इसको करें, 20 राउंड इसको करें, कोई आसान है, बहुत इजी है और बहुत ही फायदेमंद। दूसरा है आपको ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई भी बहुत फायदा करता है, लोगों को बहुत सारे पता नहीं ऊंचाई भी इसमें फायदा कर सकता है। ऊंचाई भी बहुत कम लोग बताते हैं ऊंचाई के बारे में, लेकिन ऊंचाई भी उतना ही फायदा करता है। उसमें हम लोग ये बयान मुद्रा लगा लेते हैं, इसको ये बयान मुद्रा कहते हैं, पहली तीनों उंगलियों को टिप्स को मिला लेते हैं। इसमें कैसे करते हैं तो गले से आवाज करते हुए श्वास को लेते हैं, गले को संकुचित करके हार्ट, हृदय और गले के से घर्षण के साथ में श्वास को अंदर में लेते हैं और नाक से लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये तरीका है, इसे देख लीजिए। बयान मुद्रा लगा लें इस तरह से, फर्स्ट थ्री उंगली एक साथ में, फिर कैसे करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, लेफ्ट से छोड़ दिए, फिर दूसरा बार राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, लेफ्ट से छोड़ दिए। इनहेलेशन करेंगे हम लोग गले को संकुचित करते हुए, घर्षण के साथ जब श्वास अंदर आती है तो वो ऊंचाई, हमारी ऊंचाई नाड़ी सक्रिय होती है। ऊंचाई मतलब विजय, हर चीज में से विजय प्राप्त होता है इससे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी धातुओं को भी पुष्ट करता है, इसलिए ऊंचाई प्राणायाम इसमें बहुत जरूरी है। एक बार और करके दिखा देता हूं, लेफ्ट से इनहेल, यानी हम जब श्वास भरते हैं तो गले से लेते हैं और आवाज करते हुए आता है श्वास, क्योंकि ये घर्षण करता है आपको गले से और हृदय के जो ये आपको इधर फेफड़े के ऊपर वाले जहां से हमारी श्वास अंदर जाती है वहां से। तो इस तरह से ये हुआ ऊंचाई। अब तीसरा प्राणायाम हम लोग क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं तो हम अपनी दोनों अपने जीभ के बाहर निकालते हैं और उसको रोल कर लेते हैं और श्वास को उससे पाइप बना लेते हैं, उससे श्वास को अंदर भरते हैं। जैसे दिख ले, जीभ है,
जेब को बाहर निकाले, अब इसको रोल करेंगे, श्वास भरेंगे, इसमें क्या करते हैं, श्वास भरते हैं जीभ को रोल करके और फिर श्वास छोड़ते हैं दोनों नाक से, ठीक है, ऐसे। श्वास लिए, फिर से एक बार देखिए, यानी जब आप श्वास भरिएगा तो एक कूलनेस, कोल्ड कूलनेस आपको हृदय को मिलेगा और ठंडा हवा अंदर जाता है, और जब छोड़ते हैं तो आप दोनों नाक से छोड़ सकते हैं, चाहे बाएं नाक से छोड़ सकते हैं, जिसे भी चाहे उसे छोड़ सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप दोनों नाक से श्वास छोड़ें, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड है, कूल हवा अंदर में ढुक रहा है। फिर आप शीतकारी प्राणायाम करें। शीतकारी कैसे करते हैं, तो उसी तरह से करीब, इसमें केवल इतना है कि अपने होठों को फैला लेते हैं, दांत को आपस में सटा लेते हैं और श्वास को दांतों के बीच से खींचते हैं अंदर, ऐसे, फिर नाक से छोड़ते हैं। श्वासों को दांत के बीच से लेते, मध्य से लेते हैं, फिर नाक से छोड़ते हैं, उसमें भी ठंडापन आता है। बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं, लेकिन मैं केवल आपको ब्लड प्रेशर के लिए बता रहा हूं। आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, यूट्यूब में वीडियोज हैं, स्पेसिफिकली हर प्राणायाम का अच्छे से डिस्क्रिप्टिव ढंग से बताया हूं, लेकिन अभी चूंकि जनरल सभी चीज बताना है, इसलिए एक बार मैं दिखा दे रहा हूं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जो कि इसमें बहुत जरूरी है करना, चाहे तो अकेला प्राणायाम भी आपको ठीक कर सकता है ब्लड प्रेशर को, यदि प्रतिदिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चले आप, केवल खान पान में सुधार कर दे और शरीर को एक्टिव रखें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज करें, हल्का एक्सरसाइज करें और फिर चंद्रभेदी प्राणायाम करें। चंद्रभेदी कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य करें, यही एक्चुअल आपका रामबाण साबित हो। तो इसको कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, इसमें बस इतना ही करना है। लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट को बंद करते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं। मुद्रा वही लगाएंगे जो हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, हम नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा लगाते हैं। आप देख चुके हैं कि राइट को नॉस्ट्रिल्स को हम बंद करते हैं, खोलते हैं किसे, थंब से, और ये स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर, यानी लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के मतलब क्या कि आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ को आप प्राण मुद्रा में लगा कर रखें। प्राण मुद्रा इसी तरह से बोलते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं और ये दोनों उंगलियां खड़ी रहती है। ये हमारी जो दो उंगलियां हैं यहाँ पर, जो कि कनिष्ठिका और अनामिका, ये दोनों के टिप्स को अंगूठे से मिला लेते हैं, इसको नीचे जोड़ देते हैं, ये प्राण मुद्रा है और ये हमारी दोनों उंगलियां खड़ी रहेंगी। तो इस तरह से इसको हम ऐसे हो सके तो, नहीं तो आप ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छा है, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप केवल ज्ञान मुद्रा लगा के ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चंद्रभेदी करते कैसे हैं वो देख लीजिए। लेफ्ट से लेंगे श्वास, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसमें राइट से नहीं लेना है, ये बराबर ध्यान दीजिएगा, जब भी है आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। इसको आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट करें और एनी टाइम करें, सबसे अच्छा सुबह है, सब लोग जानता है, और दोपहर में, शाम को, रात में सोते समय कभी भी करें, ये बहुत ही कारगर है। तो एक बार आपको 2-3 राउंड में करके दिखा देता हूं। इनहेल, इनहेल, लेफ्ट क्लोज, फिर राइट से एक्सहेल, फिर राइट क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल, फिर राइट बंद, लेफ्ट से इनहेल, आपको लेना है सांस, छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये नियम बना लीजिए आप, है? ये नियम बना लीजिए कि आप जब भी आप, यदि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपकी है तो यही एक प्राणायाम, जो कि असली में आप कभी भी चाहे तो कर लीजिएगा और आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। तो ये हम प्राणायाम के जो आपको 5 तरह के प्राणायाम बताए, इसके अलावा एक और प्राणायाम है जो कि बहुत जरूरी है, उसके हम उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। बहुत आसान है, उसमें तो सब लोग जानते होंगे।
आप इस तरह से सन्मुखी मुद्रा बना के करें, दोनों आंखों को पहले दोनों उंगलियों से बंद कर ले, अंगूठे से कान को बंद कर ले और ऊपर वाले होंठ को, और इस तरह से ऊपर वाले होंठ को अनामिका से बंद करें और नीचे वाले होंठ को कनिष्ठिका से बंद करें। इस तरह से लंबी गहरी सांस भरते हैं, इसको आप 10 बार करें। एक्चुअली ये भी बहुत ही अच्छा है और ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन लो ब्लड प्रेशर वाले भी लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ये आपको मैं आपको कौन कौन बताया, अनुलोम विलोम, उजाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी एंड भ्रामरी, ये 6 प्राणायाम आपके जीवन में उतार लीजिए। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत यदि है तो दूर हो जाएगी और फिर कभी नहीं होने वाला है। इसको खाली कंटिन्यू रखिएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज और कह दूंगा, जैसे कि बता देना चाहता हूँ, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं उससे भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और हमारा मन शांत होता है। उससे भी आप ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से आपको छुटकारा मिलता है। वो तो किसी भी ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है, लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आप एक ध्यान के रूप में आप योग निद्रा करें, योग निद्रा कर देख लें, मेरा अभी वीडियो है और आप इसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो योग निद्रा कर लें, ध्यान कर लें, ये सारी चीज़ें टोटल मैनेजमेंट आपको हो जाएगा। उसके अलावा आप खान पान पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सुबह लौकी का जूस पिए या भतुआ होता है ना सफ़ेद रंग का, जैसे बहुत लोग कद्दू भी कहते हैं, उसके जूस पीजिए, तो ये बहुत दोनों चीज़ बहुत अच्छा है। या फिर आप यदि कुछ नहीं है तो नारियल पानी पीजिए, तो नारियल पानी भी इसमें काफ़ी काम आता है। तो और डाइट में आप कोशिश करिए वेजिटेरियन डाइट डिशेज लेने के लिए, कम मिर्च मसाला, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। नॉनवेज भी लेने वालों को मना नहीं है, लेकिन आप जो भी चीज़ है एकदम संभाव से, सम्यक रूप से, सम्यक आहार करिए। तो ऐसे भी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप अच्छे से नींद लीजिए, कम से कम 7 घंटा नींद प्रतिदिन लीजिए, नहीं तो कम से कम 6 घंटा अच्छे से नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो नींद भी लीजिए, कर्म करिए कर्मयोग में शांति से, मन शांत रख के काम करिए। ये सारी चीज़ों आप यदि आप अपने जीवन में ढाल लें तो आपको कभी भी एक तो होगा नहीं और यदि है तो ये पक्का ठीक हो जाएगा, गारंटेड है। आप प्राणायाम को कभी मत भूलिएगा, प्राणायाम भी करिएगा। तो दोस्तों एक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अपने जीवन में ढालें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अजय योग दर्शन को, और इसके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।